मास पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है, पर जो है यहाँ पे जो हम बेसिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो उसको छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आज के दिन हम मास के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम वेट के बारे में पढ़ेंगे। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मास और वेट में अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम उसी बारे में स्टडी करेंगे। आज हम मास के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मास का रूल नंबर 1, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास का जो होता है वो क्वांटिटी होती है। जैसे कि जैसे अगर आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा सा ब्लड है, तो वो मास में नहीं आएगा। आपके जो बॉडी का बोन्स है, आपकी जो बॉडी की स्किन है, मसल्स है, वो जो है मास में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट को आपने फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करना है और आगे भी पॉइंट्स को रिलेट करते जाना है। तो सेकंड में हमने लिखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। रिलेट करते जाना है, विच मैग्नीट्यूड बट हैज नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होती है पर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट से आप जितना रिलेट कर सकते हैं उतना करिए, और थर्ड पॉइंट को भी आपको मैं बताऊंगा आप कैसे रिलेट कर सकते हैं बाकी पॉइंट से। तो आइए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एसआई यूनिट इज केजी। तो एसआई यूनिट जो होती है वो केजी होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि रिलेट कैसे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को आप सेकंड थर्ड पॉइंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे आपको पता है कि आपकी जो एसआई यूनिट है वो केजी होती है, और जो हमारा जैसे मैंने बॉडी आपको बोला था कि बॉडी का ब्लड और वाटर जो है वो नहीं आएगा मास में। तो मैंने आपको पहले बोला था क्योंकि ब्लड और वाटर जो है वो होगा लीटर्स और ml में, पर यहाँ पे एसआई यूनिट क्या दी हुई है? केजी दी हुई है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है वो केजी है। तो आप इधर से फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि ये कैसा होगा। अब क्लियर है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं और नोट करते जाइएगा इस सब नोटबुक में। द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। जैसे अब जो है मास और एक बॉडी का चेंज नहीं होता। जैसे आपकी बॉडी है, आप इधर से उधर, जैसे ये मेरा हाथ इधर है, अभी इधर से इधर हो गया, तो इसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका मास उतना का उतना ही रहेगा। ये फोर्थ पॉइंट में इतना था। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो आपकी बॉडी का मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी बॉडी का मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। इसको ले लीजिए, इसका मास भी जीरो नहीं हो सकता है। आप इस बोर्ड को ले लीजिए, इसका मास भी जीरो नहीं हो सकता है। तो किसी भी